मोनिका, मेरी जान कभी भी जा सकती है, लेकिन हमारा संघर्ष नहीं रुकना चाहिए। सुनिए जी, एक बात और, तुम मुझसे वादा करो कि मेरे मरने के बाद भी तुम बिंदी और सिंदूर लगाना नहीं छोड़ोगी। इन सबसे ज्यादा आप मेरे लिए जरूरी हैं। गुरुजी। हाँ सूर्या, मुझे डर था कि कहीं मैं तुम्हें देखे बिना ही न चला जाऊं यहाँ से। एक बात और, तुम मुझे वचन दो कि मेरे चले जाने के बाद राजनीति में तुम मेरे नक्शे कदम पर चलोगे। चलोगे, वचन दो मुझे, वचन दो। इसे पूछो। सर, एकदम से ब्रेक फेल हो गए थे सर। आगे खड़े हुए ऑटो से जा टकराया था सर। एक्सीडेंट मैंने ही किया है सर। हमारे नेता हरिशंकर जी हमारे हैं। हमारे नेता हरिशंकर जी हमारे हैं। इस ड्रेस में तुम एकदम राजनेता लग रहे हो। बहुत अच्छा है ये ड्रेस। बोलना पड़ेगा क्या? समझ गया, तुम मिल जाओ इधर से। वाह भाई वाह, तुमने जो किया वो मामूली काम नहीं था। अगर वो हरिशंकर वहाँ धरना लेकर के बैठ गया होता तो मेरी सीएम की कुर्सी चली गई होती। पहले दीवारों के कान होते थे, आजकल दीवारों के कैमरे होते हैं। अरे ये मेरा अपना गेस्ट हाउस है। खैर छोड़ो, उस हरिशंकर को जो ट्रक से मरवाने का प्लान था वो तो सही सही हो गया, लेकिन उस ट्रक के ड्राइवर का क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अगले 2 महीने तक वो जेल में ही रहेगा। अगले चुनाव में तो आप सीएम बनेंगे ही। 15 अगस्त को कुछ कैदियों को रिहा किया जाता है, उसमें उसका नाम भी जोड़ दे। तुम बहुत अच्छे नेता बनोगे। सुनो, बहुत दिनों से तुम राजनीति में आने को कह रहे थे ना, मैं तुम्हें उस हरिशंकर की जगह पर टिकट देकर जिताकर होम मिनिस्टर बना दूंगा। हाँ, मेरा विश्वास करो, विश्वास करो मेरा। सर थैंक्स सर, मेरी कुंडली बहुत अच्छी है। हाँ। नमस्ते, TV5 बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूँ त्रिशा। सरकार में चुनावी अटकलें बड़ी तेजी से चल रही है। आश्चर्य की बात यह है कि हरिशंकर जी के मृत्यु ज्यादा शोक करने की जरूरत नहीं है। इंसान आता जाता रहता है, फाइल का काम देखो। किसी और को सीट दी जा रही है, पार्टी कमान ने ये निर्णय आज ही लिया है। मुख्यमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी जी सूर्य नारायण ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना MLA का नॉमिनेशन भरा। इस बात पे पार्टी में हलचल मच गई है। क्यों भाई, राजनीति में आना चाहते हो इसीलिए नॉमिनेशन भरा है तुमने? मैंने नॉमिनेशन पर्चा भरा ही नहीं। तुमने नहीं भरा है तो तुम्हारे नाम से किसी और ने भर दिया। ऐसा हो सकता है? ए, तुमने अपने गांव में किसी कागज पे साइन किया था क्या? साइन? वो हरिशंकर का ट्रस्ट था, कर दिया मैंने। फोटो भी खिंचवाया था क्या? फोटो मैंने फ्रेंड्स के साथ खिंचवाए थे। अरे गवार कही के, ऐसे क्या देख रहा है? तेरे नाम पर किसी ने नॉमिनेशन भरा है, जाकर नाम वापस ले ले। मेरा ही PA मेरी पार्टी के खिलाफ नॉमिनेशन भरेगा तो पार्टी की नहीं मेरी भी बेइज्जती होगी। जा यहाँ से। ऐसे क्या देख रहा है? जा यहाँ से। अकल है कि नहीं? हरिशंकर के नाम संस्था खोल रहे हो, उसके नाम पर साइन किए थे, फोटो के लिए पोज दिया था, ये सब तुम्हारे विश्वास पर किया। मेरा नाम नॉमिनेशन के लिए किसने दिया बताओ? मैंने दिया था। और मैंने भी। बचपन से ही तुम समाज सेवा करते हो, ये हरिशंकर जी बार बार कहते थे तू अच्छा कार्य करता है। उनकी बात को ही ध्यान में रखकर मैंने, तुमने जो पेपर साइन किया था उसे नॉमिनेशन के लिए भेज दिया। आप लोग पागल तो नहीं हो गए? सीएम मुझे नौकरी से निकाल देगा। वो क्या निकालेगा रे, तूने जो दूसरा पेपर साइन किया था ना, उसे ऑलरेडी टाइप करवा के उस पर इस्तीफा लिखवा कर भिजवा दिया हमने। भेज दिया? मैं MLA कैसे? सुनने में ही डर लगता है। मेरा मन नहीं है, मैं अभी जाकर मेरा नाम वापस लेता हूँ। अरे अरे अरे, 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 सुन। जन गण मन अधिना
क्या माँ जी, आप भी? उन्होंने तेरे अंदर एक राजनायक को देखा था, एक संघ सेवक को देखा था। उन्होंने मरते वक्त दो वचन ली थी मुझसे कि मैं कभी सिंदूर नहीं मिटाऊंगी और दूसरा तुम उनकी जगह एमएलए बनकर जनता की सेवा करोगे। पति के मरने के बाद भी उनकी वचन को निभाते हुए मैंने जनता के सामने उनकी पहली इच्छा सिंदूर को ना मिटाने की कसम खाई है। अब उनकी दूसरी इच्छा तुम्हें पूरी करनी होगी, ये मेरा विश्वास है। ये उनका भी विश्वास था, जनता का विश्वास है। अगर तुम अपने गुरु की इतनी इज्जत करते हो तो नामांकन वापस मत लो। इस देश में जनता की सेवा करने वाला कोई नेता नहीं है। देश की डोर अच्छे नेताओं को ही मिलनी चाहिए बेटा। उन्होंने जिन खूनियों अपराधियों को सजा दिलाने के लिए अपनी जान तक गवा दी है, वही महेंद्र सागर आज प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हो रहा है। इस महान देश में एक ऐसे गुंडे आदमी को चुनाव में खड़े होने से तुम्हें ही रोकना होगा। गुरुजी की सौगंध, उनकी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूंगा। एमएलए बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है तेरे पास? अच्छा मन है सर। नाम वापस नहीं लेगा? जीत कर जनता की सेवा करूंगा सर। बिना पैसे कुछ नहीं होता है। मैं जनता के पास जाऊंगा, वो मुझे जरूर वोट देगी। जहाँ से तू खड़ा हो रहा है वहाँ से पता है कौन खड़ा हो रहा है? करोड़पति महेंद्र, उसे खड़ा कर रहा हूँ मैं। यही जानते हुए मैंने नाम वापस नहीं लिया। एक अमीर आदमी ने इतने सारे गलत काम किए हैं, कल एमएलए बन गया तो और कितने अत्याचार करेगा। गेट आउट, एक मिनट भी मेरे सामने खड़े मत हो। चलता हूँ सर, जीत कर ही आऊंगा। आपकी जीत के बारे में सोचिएगा। मेरा इस्तीफा लेने के लिए बहुत धन्यवाद। निकलो। इलेक्शन में लोग करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, एक वोट के हजार रुपए, महिलाओं को साड़ी, आदमियों को क्वार्टर दे रहे हैं। ऐसे करोड़ों रुपए खर्च करने वाला पहले अपने घर भरने के बारे में सोचेगा या फिर वो तुम्हारी सेवा करेगा? ऐसे ही जीतने वाले लोग राजनीति को गंदा कर रहे हैं। सूर्य बाबू, मैं रथ पर बैठे कृष्ण की तरह हूं और तुम वहां जमीन पर खड़े अर्जुन की तरह। तुझे गीता का उपदेश दूं क्या? मेरे पीछे देख, कितनी कारें खड़ी हैं। ये मेरी ताकत है, ये मेरा हौसला है। देखो वो सब किराए की कारें हैं, उसके अंदर बैठे लोग सब किराए के हैं। और तेरे पीछे खड़ी जनता क्या तेरी है? एक बार आंख खोलकर देखो जरा। सूर्य बाबू, सूर्य बाबू, सूर्य बाबू, सूर्य बाबू, सूर्य बाबू। मर्द के पीछे खड़ी औरत क्या तेरी सेनापति है? और हमारे पीछे है श्री राम जी की सेना। पैसों के दम पर मैं इस राम की सेना को अपनी तरफ कर लूंगा और तुम्हारे पीछे खड़ी हुई जनता हमें सरकार में लाएगी। तूने कौन सा अच्छा काम किया है? क्या किया है? मासूम लड़कियों के ऊपर एसिड डालना अच्छा काम किया है? सामान्य जनता को भूखा रखना अच्छा काम है क्या? महिलाओं को विधवा करना अच्छा काम है? तुम जो जनता के लिए अच्छा काम कर रहे हो वो जनता खुद देख रही है। इस बार मैं तुम्हें सही सबक सिखाकर तुम्हारी सरकार गिरा दूंगा। सूर्य बाबू, सूर्य बाबू। जनता को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ये गैस पर चढ़े हुए चावल की तरह है। नीचे आग जलने पर उबाल आ जाता है लेकिन ऊपर पानी डालने पर चुपचाप बैठ जाते हैं। वो सब कल तक था, आज की भीड़ पानी डालने से चुपचाप बैठने वाली नहीं है। आग की उबाल बनकर बाहर आकर तुम्हें जला देगी, खाक कर देगी, समझ ले तू। तेरे जैसे हरामी 5 साल में एक बार वोट की खातिर जनता के सामने कुत्तों के लिए बिस्कुट डालकर वोट मांगा करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि अब मैं यहाँ आ गया हूँ। मैं आ गया हूँ, जनता बदल गई है। उस बदलाव के लिए ही संघर्ष करता रहूंगा, उस बदलाव के लिए मैं अपनी जान तक दे दूंगा। जनता मेरे साथ है। कितने भी लोग क्यों ना हो, वोटिंग से पहले इन्हें चाहे दारू देकर या रुपए देकर या साड़ी देकर बिरयानी के पैकेट देकर तितर बितर कर दूंगा। इस जनता से मैं अपने नाम पर मोहर लगवाऊंगा, देखना।
अरे अंधेरा भी सूर्य भगवान के सामने ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, सुबह होकर ही रहेगी। वैसे ही एक दिन तेरे साथ होगा, मेरे जैसे सूरज से टकराने की कोशिश बिल्कुल मत करो तुम। मना करने पर मना करती है जनता, तुम भी अपने जीवन में सूरज से टकराने की कोशिश कर रहे हो। इस सब जनता को तेरे खिलाफ लाकर खड़ा कर दूंगा, इस सूरज की रोशनी क्या है दिखाऊंगा। हरिशंकर जी की सौगन खाकर बोल रहा हूं, गुंडा राज को खत्म कर दूंगा, गुंडों की गर्दन काट दूंगा, औरत की इज्जत नहीं करेगा उसे मिटा दूंगा। भाई साहब, उस दिन हम लड़की का हाथ मांगने आए थे, आज बेटे के लिए वोट मांगने आए हैं, इस बार हमारी बात मत टालना। हम सब अगर इन्हें वोट देंगे तो क्या ये जीत जाएंगे? इलेक्शन में सिर्फ घर वालों को वोट देने से कुछ नहीं होता, शहर के सभी लोगों को वोट देना होगा। पहले किसी काम का नहीं ये बोला, नौकरी करने गया, इलेक्शन से कुछ नहीं होता है, लेकिन MLA बनकर आऊंगा। चलो बाबूजी। एक्सक्यूज मी लेडीज, गधा कहीं का। माफ कर दीजिए बहन जी, ये देखिए यहाँ पर सूर्य बाबू जी का चुनाव चिन्ह नंदी बाबा। नंदी बाबा? हाँ, इसी चिन्ह को वोट देकर हमारे सूर्य बाबू को जिताना है। हमारे आदमी को भी वोट देने को बोलती हूँ। कितने आदमी है इसके? मेरा एक ही पति है। ठीक है ठीक है बहन जी, पैसे और साड़ी उस पार्टी से ले लेना और वोट हमारे सूर्य बाबू को दे देना। आम की चोरी करने वाले को चोर कहते हैं, जब चुनाव में वोट चुराए तो उसे क्या कहते हैं? साहूकार कहते हैं क्या? ऐसे चोर लोग गली गली में खड़े हो रहे हैं, एक गलती करने से 1825 दिन तक सजा भुगतनी पड़ेगी। आपको सजा से बचना है तो सोच समझकर वोट दीजिएगा। देखिए हमारी पार्टी को वोट दीजिएगा। अम्मा, हमारी पार्टी को वोट देना, हमें ही वोट देना। भूला मत, भाई को ही वोट देना। माँ जी बोतल लो, हमें वोट दो। अरे दो क्या, चार बोतल देना। अच्छा अच्छा लो। बहन, हमारे भाई को ही वोट देना। ये लो अम्मा, अम्मा लो, देना। हमें ही वोट दो। वोट देना अम्मा, हमें वोट देना। वोट हमें ही देना। वोट देना। इस उम्र में भी मैं वोट दूंगी। विधानसभा में बहुत दिनों से अटकलें लगाई जा रहे थे, किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार गिरेगी। आज वोट के नतीजे आ गए हैं, अधिकार पार्टी को ज्यादा वोट नहीं मिल पाए हैं, कुछ जगह पर निर्दलीय पार्टी ने विजय प्राप्त की है। हमने सोचा भी नहीं था कि हमारा बेटा कभी राजनीति में आएगा, हमारे बेटे को विजयी बनाना माँ। अधिकार पार्टी से खड़े हुए राष्ट्रवादी अध्यक्ष कमलेश टंडन लातूर से विजयी घोषित किए गए। निर्दलीय पार्टी से हिम्मत राव एक अकेले खड़े हुए और उन्होंने PDS पार्टी को 300,000 वोटों से हराकर विजय प्राप्त की। अनंतपुर जिला से PDS पार्टी के अध्यक्ष सलमान अहमद को अधिकार पार्टी के सुधाकर शर्मा को 500,000 वोटों से हराकर विजयी घोषित किया गया। नासिक से अधिकार पार्टी के अध्यक्ष श्री अशोक को 10,000 वोटों से विजयी घोषित किया गया। उत्तर मुंबई से स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष SN प्रकाश कदम 210,000 वोटों से विजयी घोषित किए गए। दक्षिण मुंबई से खड़े हुए निर्दलीय पार्टी से मुख्यमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी सूर्य नारायण, उनके विपक्ष में अधिकार पार्टी के श्री महेंद्र सागर को 1,060,000 वोटों से हराकर विजयी घोषित किए गए। पूरे महाराष्ट्र में आए हुए नतीजे इस प्रकार हैं, जिस पर अभी कोई भी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकता, सूर्य नारायण विजयी घोषित किए गए। ए, हमारा बेटा जी। पूरे
महाराष्ट्र में आए हुए नतीजे इस प्रकार हैं, जिस पर अभी कोई भी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकता। स्वतंत्र पार्टी 135 सीट, अधिकार पार्टी 134 सीट और निर्दलीय को 25 सीट मिली हैं। इन 25 इंडिपेंडेंट एमएलए में सिर्फ एक तुम ही नायक हो। तुम्हारे जीतने से हमारे पार्टी में क्रांति की जंग आएगी, देख लेना बेटा। ये सब सिर्फ आपका ही आशीर्वाद है माँ जी। बेटा, अंधेरे में रोशनी लाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। इस क्रांति के जंग में तुम ही सबको सही राह दिखा सकते हो। हमारे माननीय श्री हरिशंकर जी अमर रहे। हमारे माननीय श्री हरिशंकर जी अमर रहे। हमारे माननीय श्री हरिशंकर जी अमर रहे। हमारे मुख्यमंत्री बनने की मुश्किलें बड़ी होती जा रही हैं। सरकार बनाने के लिए कम से कम 150 एमएलए का सपोर्ट चाहिए। किसी पार्टी के पास इतने एमएलए का ना होने पर सरकार किसकी बनेगी, ये कुछ अभी तय नहीं है। सरकार बनाने के लिए बड़ी पार्टियों को निर्दलीय के सपोर्ट की आवश्यकता हो सकती है। आइए देखते हैं पार्टी कार्यालय पर किस तरह की हलचल।